हेलो एवरीवन, तो आज का टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो पहले हम समझेंगे कि जनरेशंस होता क्या है। तो जनरेशन एक के बाद एक टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट होना, उसे जनरेशंस कहते हैं। तो पहले हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह कंप्यूटर साइज़ में इतना बड़ा होता है कि इसको इंस्टॉल करने के लिए एक बड़े कमरे की ज़रूरत पड़ती थी। कंप्यूटर द्वारा काफ़ी हीट जनरेट की जाती थी, जिसके कारण एयर कंडीशन के बिना कंप्यूटर से काम लेना मुश्किल था। कंप्यूटर लैंग्वेज के रूप में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, जो 0 और 1 का समूह होता है, जिसे समझना काफ़ी मुश्किल था। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की अवधि 1946 से 1959 तक मानी जाती है। इस जनरेशन के प्रमुख कंप्यूटर हैं यूनिवैक, एनिक, IBM 650 etc. सेकेंड जनरेशन 1959 टू 1965 के बीच में इस जनरेशन में आते हैं। इस जनरेशन में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा, जिससे पहले की अपेक्षा कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर और स्पीड बढ़ गई और कंप्यूटर का आकार भी पहले से छोटा हो गया। स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग होने लगा, फॉर एग्जाम्पल IBM 709 etc. थर्ड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन जो 1965 से 1975 के बीच में थर्ड जनरेशन का यूज होने लगा। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा, जिससे इस जनरेशन में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया गया। मिनी कंप्यूटर का आविष्कार भी इसी जनरेशन की देन है, फॉर एग्जांपल PDP-8, PDP-11 etc. 1971 से 1980 के बीच में फोर्थ जनरेशन्स आया और फोर्थ जनरेशन में VLSI टेक्निक का यूज किया गया, जिसमें कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा हो गया और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा। इस जनरेशन में कई सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ, डॉस, विंडोज आदि का उपयोग शुरू हो गया। इस जनरेशन में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। कंप्यूटर नेटवर्क का भी विस्तार भी शुरू हो गया, जिससे दुनिया भर में कंप्यूटर नेटवर्क का यूज किया जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल IBM, PC, क्रेवन, क्रेटू, एप्पल, मैकटोनिस etc. नेक्स्ट जनरेशन आपका फिफ्थ जनरेशन है। यह कंप्यूटर की वर्तमान जनरेशन है। नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के उपयोग से कंप्यूटर की यह जनरेशन काफ़ी विकसित हो चुकी है। पैरेलल प्रोसेसिंग ने कंप्यूटर की गति को काफ़ी बढ़ा दिया है। इस जनरेशन की परिकल्पना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर की गई थी।